डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चौथी यूनिट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्हील्स एंड टायर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग जानते होंगे कि व्हील्स और टायर्स कितनी इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी गाड़ी के लिए। व्हील्स मीन्स पहिया मीन्स जो टायर होता है उस जहाँ पे लगा होता है टायर, और जो शाफ्ट होता है जो आगे एक्सिल जिसको कहते हैं उसके एक्सिल और पहिए के बीच का जो होता है उसको व्हील कहते हैं। एक्सिल मीन्स जहाँ पे ब्रेक ड्रम लगा होता है, और जो रबर का टायर होता है उसके बीच को व्हील कहते हैं। और टायर तो आप लोग जानते ही हैं, जो ब्लैक कलर का होता है जिसमें हवा भरते हैं वो तो टायर आप लोग जानते ही हैं। और व्हील्स मतलब वही जो अभी बात को होता है, व्हील्स और टायर्स हो गया। व्हील्स की और टायर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मेन पर्पज़ है टायर्स का कि रोड के बम्प को गाड़ी तक ना पहुंचने देना। मीन्स अगर सड़क में ज़्यादा ऊंचा नीचा है या फिर गाड़ी वाइब्रेट करती है उसको भी थोड़ा सा अब्जॉर्ब करना। वो अगर आप देखते होंगे कि अगर टायर में हवा ज़्यादा होती है तो गाड़ी में ज़्यादा उछाल आता है या ज़्यादा वाइब्रेट होता है, लेकिन अगर गाड़ी में हवा कम है तो फिर वाइब्रेशन गाड़ी में उतना नहीं होता, प्लस रोड के ख़राब होने से भी अपने बॉडी पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स टायर का बहुत बड़ा रोल है, एक तरह से एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ही है। और व्हील्स के बारे में जहाँ तक बात करें तो व्हील्स को जो है एक व्हील्स कई तरीके की होती हैं। इसकी ज़रूरत क्या होती है ये देखिए, व्हील को जो पैसेंजर का वेट और गाड़ी का वेट जो होता है उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। और ये जो है एक तरह से व्हील जो है कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। और ये आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ व्हील की ये हल्की होनी चाहिए, भारी कम होनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि जब रोटेशन होता है बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, आप खुद समझते हो कोई चीज़ अगर बहुत तेज़ रोटेट करेगा अगर भारी होगी तो लोड ज़्यादा पड़ेगा पहिए पे उसके एक्सेल पे, और अगर भारी हुई और बैलेंस नहीं हुई तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब आप देख सकते हैं टाइप ऑफ व्हील अभी देख सकते हैं, एक प्रेस्ड व्हील, प्रेस्ड डिस्क या फिर डिस्क व्हील, दूसरा है वायर्ड व्हील, उसके बाद तीसरा है लाइट अलॉय कास्ट आर फोर्ज्ड व्हील। आप वायर्ड व्हील देखे ही होंगे, और प्रेस्ड व्हील सबसे पहले जो आता है, प्रेस स्टील डिस्क व्हील, ये काफ़ी यूज होता है, ये देखिए ये काफ़ी यूज होता है। और इसमें जो है ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिम फिट होता है, यहाँ पे पहिया फिट होता है, यहाँ पे पहिया फिट होता है, मीन्स इस पोर्शन में पहिया होता है, इस तरह से पहिया होता है या इस तरह से पहिया होता है। और ये जो पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं वो शाफ्ट जो होती है शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। और ये जो यहाँ का ये जो पार्ट दिख रहा है ये एक तरह से बाहरी पोर्शन को कवर करने के लिए लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नट वट लगा होगा उसको कवर करने के लिए, जहाँ पे हम डाट पड़ा यहाँ पे कवर करने के लिए लगा होता है। और इसमें सबका नाम आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा गया, सबका नाम देख सकते हैं, ये रिम लिखा है। और ये एक चीज़ और हम बता दें कि ये जो पार्ट होता है इसमें और इसमें बेल्टेड ज्वाइंट होता है, मीन्स यहाँ पे ज्वाइंट होता है, यहाँ पे बेल्टेड ज्वाइंट होता है, जिससे कि ये एक तरह से हम कह सकते ये रिम है। और इसके बाद रिम में और इसमें क्या नाम है डिस्क, इसको हम डिस्क कहते हैं, जो पूरा पार्सन है डिस्क है, तो रिम और डिस्क में कनेक्शन रहे, जिससे कि रिम और डिस्क में कनेक्शन रहे। और इसमें कई होल भी होते हैं, जैसे रिम में यहाँ पे होल होता है वाल्व जो हवा भरने के लिए होता है, और कुछ जगह होल होता है जिससे कि, और आपने देखा होगा कि जब पहिया अगर आप प्लास्टिक का कवर हटाइए तो उसमें देखिए कई जगह गोल गोल होल होते हैं, जिससे कि हवा का सर्कुलेशन हो, जिससे कि जो यहाँ पे ब्रेक लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी शाफ्ट होती है एक्सिल होती है तो यहाँ पे ब्रेक होता है, ब्रेक लगाने से गर्म होता है, ये सब एरिया गर्म होता है, गर्म होने से क्या होता है गर्मी यहाँ ट्रांसमिट होती है, फैल ट्रांसमिट की मेटल से गर्मी बाहर जाती है, तो उससे क्या होता है
कि जब ये यहाँ पे यहाँ सब जगह होल होते हैं, यहाँ पे कई जगह होल होते हैं, तो उससे क्या होता है कि होल से हवा पास होती है, हवा पास होती है तो जल्दी ठंडा हो जाता है मींस इसमें। और ये बहुत सिंपल होता है। इसके बाद आता है हमारा ये देखिए इसमें लगा इसके फीचर्स क्या होते हैं। प्रेस्ड डिस्क व्हील आर सिंपल इन डिजाइन, डीज व्हील्स आर रोबस्ट इन डिजाइन, डीज व्हील्स हैव इकोनॉमिकल प्राइसेस, बेटर कूलिंग इज पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ व्हील। बेटर कूलिंग इसलिए है क्योंकि अब इसमें होल भी हम अच्छी रहता है, और ये ज़्यादातर हीवी मोटर व्हीकल्स में यूज होते हैं। हीवी मोटर व्हीकल्स में देखे होंगे ना तीली वाला होता है, ना जो है ये जो हम बाइकों में अभी नए अब सब बाइकों में जो आता है मेटल एलॉय का, ना मेटल एलॉय का होता है, क्योंकि ये सबसे रोबस्ट डिजाइन होता है, इसमें बहुत कम मेंटेनेंस होता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। ये सब हीवी ड्यूटी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर्स, कार्स, इन सब में यूज होता है। उसके बाद वायर्ड व्हील तो आप जानते ही हैं, तीली वाले जैसे पहले बाइकें आती थी या अभी साइकिल आती है, साइकिल में ढेर सारी तीलियाँ लगी होती हैं, तो वो सब तरह के व्हील जो है वायर्ड व्हील कहते हैं। उसमें देखिए तीन पार्ट होते हैं, स्पोक मीन्स तीली, हब मीन्स ये, स्पोक मीन्स तीली मीन्स जैसे ये है, ये से चारों तरफ लगा होता है, ये तीली हो गई। उसके बाद हब मीन्स ये पोर्शन जो अंदर वाला पोर्शन है, और रिम मीन्स ये पोर्शन है, रिम है। तो हब हो गया, स्पोक हो गया और रिम हो गया। इसको बाद आप लोग सब जानते ही हैं। और उसके बाद ये यूज कहाँ होता है, आप पुरानी बाइक आप तो बाइकों में भी जल्दी यूज नहीं होता है, बाइक में साइकिल में यही सब यूज होता है। ये सब के बारे में दिखाया गया है कि कहाँ कैसे कहाँ स्पोक्स के बारे में लिखा गया है, हब के बारे में है और रिम के बारे में। अगला आता है लाइट अलॉय कास्ट आर फोल्ड व्हील। ये सब जो है पहले के जो पहला आपने देखा था कुछ उसी तरह का होता है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इन सब व्हील में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस ये है कि ये मेटल एलॉय की बनी हुई थी। एलॉय मीन्स स्टील का, जैसे मीन्स उसमें लोहा ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय का होता है। एल्युमिनियम हल्का होता है, मैग्नीशियम जो है जो फ्लक्चुएटिंग लोड होता है, क्योंकि हमेशा ऊपर नीचे कभी कम कभी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग लोड होता है, उसको बियर करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वो हल्का भी होता है, इसलिए हम इसको चौड़ा भी बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, तो ये हमारा लोड अच्छा बियर कर लेगा। तो चौड़ा टायर के आप लोग जानते ही हैं फ़ायदा का, चौड़ा होने से क्या फ़ायदा होता है। इसका मेन डिसएडवांटेज खाली एक ही है, इसकी कास्ट ज़्यादा होती है। और ये यूज़ कहाँ होता है, जैसे हीवी ड्यूटी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद रिम भी कई तरीके की होती हैं, आप देख सकते हैं, जैसे व्हील बेस रिम देखिए इस तरह का बना होता है, ऊपर खाली जगह होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह का कप शेप में होता है। और उसके बाद अगले तरह का रिम होता है फ्लैट बेस रिम। ये देखिए फ्लैट बेस रिम मीन्स यहाँ पे नीचे पूरा फ्लैट है। उसके बाद यहाँ डिटेचेबल फ्लैंज लगा होता है, जब हमें टायर निकालना होता है इसको बाहर कर देते हैं, मीन्स इसको इधर बाहर कर देंगे तो ये टायर यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद अगला होता है सेमी ड्रॉप सेंटर रिम, मीन्स इसमें जो है एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, बीच में हल्का सा दबा होता है, मीन्स नीचे की तरफ थोड़ा झुका होता है। ये सेमी होता है, मीन्स ये जो ऊपर जो दोनों तरीके की रिम होती हैं उसके मिक्स होता है। अगला है फ्लैट बेस रिम में भी फ्लैट बेस होता है, लेकिन इसमें दो अलग अलग होते हैं, मीन्स एक तरह का इधर अलग कर सकते हैं कि हम पूरा टायर यहाँ से, जिससे कभी टायर निकालना हो तो टायर जैसे है तो हमें या चढ़ाना हो या निकालना हो, तो एक चढ़ाना हो या निकालना हो तो एक तरफ का इसे हम निकाल सकते हैं, इस तरह करके हम निकाल सकते हैं। उसके बाद टायर का मेन काम क्या होता है, टायर ये कसन प्रोवाइडेड विद एन ऑटोमोबाइल व्हील, इट कंसिस्ट ऑफ आउटर कवर व्हिच हैज ट्यूब इनसाइड। ये इसमें ट्यूब इनसाइड में होती है। टायर दो तरीके से होते हैं, एक होता है ट्यूबलेस टायर, एक होता है ट्यूब टायर। ट्यूबलेस टायर मीन्स जिसमें ट्यूब नहीं होती है, और ट्यूब टायर मीन्स जिसमें ट्यूब होती है। जब पहले क्या होता था, पहले ट्यूब टायर ही होते थे, उसमें ट्यूब ही होती थी, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता था, कभी पंचर हो जाती थी तो तुरंत हवा निकल जाती थी,
लेकिन ट्यूबलेस टायर में क्या है, ट्यूब होती नहीं है, टायर ही ऐसा बना होता है कि उसमें हवा नहीं निकलती है, और जो टायर का और जो रिम का जो बीच में कनेक्शन होता है वहाँ पे रबर पार्ट ज़्यादा होता है, जिससे कि टायर उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ टायर देखिए क्या हो सकती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, कसनिंग मिस जैसे गद्दे के तरह इफेक्ट होना चाहिए, मिस ज़्यादा बम्प ना लगे गाड़ी पे, यूनिफॉर्म बियर मिस बराबर से घिसना चाहिए, कम ज़्यादा ना घिसे कहीं, या कहीं कम ज़्यादा कहीं से तब भी दिक्कत है क्योंकि उससे गाड़ी की कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा तो स्किडिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी। और ऐसा होना चाहिए जो पहिए और ज़मीन के बीच में अच्छा कॉन्टेक्ट बनाए रखें, और ऐसा टायर होना चाहिए जिससे कि पावर कंजम्पशन कम हो गाड़ी का, और उसमें जो है ऐसा होना चाहिए जिससे कि आवाज़ कम हो, क्योंकि अभी आप देखते होंगे गाड़ी जब चलती है तो आवाज़ आती है ट्रक में, देखिए भारी गाड़ी में ज़्यादा आवाज़ पता लगती है क्योंकि टायर की आवाज़ होती है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि टायर, ये ट्यूब टायर का फिगर बनाया गया, जब भी बता रहा था हमने ट्यूब टायर, ये ट्यूब टायर जिसमें देखिए ये अंदर ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, और यहाँ पे जो हवा भरने के लिए होता है वाल्व वो लगा होता है, ये उसकी गोटी होती है जो बाहर होती है, और बीच में ये सब कई लेयर में होता है, इसमें जो है रबर में सिंथेटिक भी होता है और नेचुरल रबर भी होता है प्लस, और उसके बाद इसमें थ्रेड्स भी होते हैं थ्रेड्स, और ये कई तरीके का होता है मीन्स अभी उसको नीचे बताएंगे। और सबसे नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्टील वार्ड बीट मीन्स ढेर से कई सारे पतले पतले तार, आपने देखा होगा कि रिम की साइड में किसी भी टायर में पतले पतले वायर होते हैं, वो पूरे चारों तरफ घूमे होते हैं जिससे कि रिम पे अच्छी तरह बैठ सकें और पूरे लोड को बियर कर सकें। उसके बाद ये ट्यूब टायर है, इसी के बाद ये देखिए ट्यूबलेस टायर है, यहाँ पे देखिए ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस टायर में क्या होता है ट्यूब नहीं होती है मीन्स इसमें ट्यूब नहीं होती है, और ये हवा अंदर जाने के लिए बना होता है, ये ग्रिप तो ऐसे ही होती है, स्टील बीट ऐसे ही होती है, और इसमें और कोई बस ये एक अंदर की लाइनिंग ऐसी होती है जिससे कि ये इसमें से हवा जो है बाहर ना जाए, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बीड है, इसके बाद ये पोर्शन देखिए इसमें रबर का पोर्शन ज़्यादा होता है मीन्स ये रबर का ज़्यादा होता है जिससे कि ये इस पर जिससे कि रिम पे यहाँ पे जब अंदर यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा चारों तरफ अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ये पूरा ये फैल के उसके बाद ये रिम पे बैठ जाएगा, ये पूरा टायर जो यहाँ नीचे वाला पोर्शन होता है रिम पे बैठ जाएगा, तो जो भी अंदर हवा होगी कहीं बाहर नहीं निकलेगी, और इसमें ज़्यादा दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि ट्यूबलेस टायर में हम जो है अगर कभी पंचर भी हो गया तो फिर वो काफ़ी दूर तक 70-80 किलोमीटर तक आराम से गाड़ी चल सकती है। और एक चीज़ ये भी होता है इसके अंदर जो रबर होता है ये वो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है कि अब जब भी अगर पंचर भी होता है तो उसमें ज़्यादा होल नहीं होता है अपने आप होल, जैसे मान लो एक पंचर हुआ तो जैसे उसके पंचर के चारों तरफ यहाँ चारों तरफ जो है ये थोड़ा उसको कस के दबा लेता है जैसे कि हवा भी उसमें से नहीं निकल पाती है। और जो है अब टायर में जो प्रेशर होता है 1.5 से 2 बार तक भी हो सकता है लाइट व्हीकल्स में, लेकिन जो ट्रक व्रक होती है उसमें 7 बार तक भी प्रेशर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितने लोड के लिए गाड़ी बन रही है। और ये ट्यूबलेस टायर के फायदे क्या हैं, टेम्प्रोरी पंचर रिपेयर्स आर मेड विदाउट रिमूविंग द व्हील, हमें व्हील को हटाना नहीं पड़ता है, टेम्प्रोरी पंचर बना सकते हैं। और जो है ट्यूबलेस टायर ये हल्का होता है क्योंकि इसमें ट्यूब तो होती नहीं है, प्लस इसमें हवा भी बहुत दिन तक चलती है। इसमें मटेरियल में क्या होता है, नेचुरल और सिंथेटिक रबर होता है, कॉर्ड ऑफ स्टेबलाइजर बेल्ट होता है, कॉर्ड मीन्स इसमें नायलॉन का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, या फिर स्टील ऑफ हाई टेंसाइल स्टील बीड वायर्स,
रबर्स में जैसे नेचुरल रबर हो सकते हैं, सिंथेटिक रबर, पॉलीब्यूटाइन हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। उसके बाद ये सब दिखाया है, प्लाई, क्राफ्ट प्लाई, बैच प्लाई, एक ही और आप जानते होंगे, सुना होगा, रेडियल प्लाई और क्रॉस प्लाई। तो रेडियल प्लाई मीन्स जैसे ये टायर है, अगर हमें अभी फिगर इसी में बना दे रहे हैं, ये अगर टायर है, ये टायर है, तो इसके ऊपर फिर एक लेयर रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में ही हो तो उसे रेडियल प्लाई टायर कहते हैं। कई एक प्लाई मीन्स एक लेयर, उसके बाद फिर थोड़ा सा रबर भरते हैं, फिर उसके बाद उसमें रबर और धागा मिक्स भरते हैं, फिर रबर धागा मिक्स, इस तरह से कई लेयर हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रॉस प्लाई में रेडियल डायरेक्शन में नहीं होता है। रेडियल मीन्स ये टायर है, रेडियल मीन्स इस डायरेक्शन में नहीं होता है। उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में एंगल होता है, मतलब इस तरह से होता है, थ्रेड इस तरह से होते हैं और उसके ऊपर थ्रेड फिर इस तरह से होता है, मीन्स क्रॉस, जिससे कि एक तरह से जाली की तरह होता है उसका। अगर फिगर हमारा आप भी देखिए, क्रॉस प्लाई में देखिए, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक रबर की लेयर होगी, फिर एक लेयर ऐसे होगी, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर रबर होगा, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, ऐसे ऐसे लेयर बढ़ती जाती है। लेकिन ये क्रॉस प्लाई हो गया, और रेडियल प्लाई में स्ट्रेट होता है एकदम से, रेडियल में स्ट्रेट होता है, मीन्स देखिए ये है ऐसे 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 होता है, इसमें कोई जैसे ऐसे हम घुमा सकते हैं, ऐसे एक टायर हो गया, ये हो गया रेडियल प्लाई। इसके बाद एक होता है बेल्टस बायस टाइप, मीन्स इसमें दोनों तरह के होता है। रेडियल और क्रॉस प्लाई के आप अंतर देख लीजिए। रेडियल प्लाई टाइप, द कॉर्ड्स ऑफ दिस टाइप रन इन द रेडियल डायरेक्शन एंड क्रॉस, ये सब डिफरेंस है रेडियल प्लाई और क्रॉस प्लाई में। रेडियल प्लाई में क्या होता है, कॉर्ड प्लाई आर वोवन इन रेडियल डायरेक्शन, उसमें क्या होता है कि इन क्रॉस प्लाई में जो होता है 30 से 40 डिग्री पे क्रॉस करके बना, उसमें जो होता है एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में इतना एंगल होता है। और रेडियल आर प्रोवाइडेड विद ब्रेकर स्ट्रिप दस ए कंटिन्यूस फॉर कॉन्ट्रेक्ट इज पॉसिबल विद रोड सरफेस, इसी तरह के आप इसमें देख सकते हैं। हम इसको जो है PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप थ्रेड देख सकते हैं, थ्रेड कई तरीके के होते हैं टायर में, ये स्ट्रेट थ्रेड होता है, क्रॉस वाला भी होता है, आप डिफरेंट टायर में देखे होंगे। इसमें क्या होता है, दोनों तरह के होते हैं, गोटी, एक तरह से हम इसको गोटी कह सकते हैं, ये कई तरह के होते हैं। और ये देखिए, ये इसमें जो है ये इस तरह की गोटी जैसे ट्रैक्टर में होता है अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कराने के लिए। और टायर में जब हवा होती है, हवा भी अनडिजायर्ड होता है, ज़्यादा हवा भी अनडिजायर्ड होता है। ज़्यादा हवा होने से हमारा कांटेक्ट जमीन से कम हो जाता है, और कम हवा होने से क्या होता है कि अगर ज़्यादा हवा हुई तो क्या होता है, टायर बीच में ज़्यादा उड़ जाता है। या फिर अगर हम इसको ऐसे करना चाहें तो ज़्यादा हवा होने से टायर ऐसे हो जाता है, मीन्स अगर ये सरफेस वाला है, और थोड़ा सा कम हवा होने से ये थोड़ा सा ऐसे बीच में उड़ जाता है, ज़्यादा कांटेक्ट हो जाता है बीच में, लेकिन उतना कांटेक्ट नहीं होता। तो कम हवा होना, ज़्यादा हवा होना, ही ज़्यादा हवा होने से में इस ये पार्ट ज़्यादा टायर का घिसेगा, और कम हवा होने में ये किनारे का पार्ट ज़्यादा घिसेगा, तो दोनों ही अनडिजायरेबल होता है। ये टायर की नॉमेनक्लेचर होती है, नॉमेनक्लेचर में आप देखिए, ये सेक्शन विड्थ है और ये सेक्शन हाइट है। आप कभी भी टायर देखिए, उसमें लिखा रहता होगा, जैसे इसमें देखिए पी मीन्स है, जैसे पी लिखा है, पी 205/75 R15, पी मतलब है कि पैसेंजर कार है, कि टेम्प्रोरी है, कि कमर्शियल व्हीकल है। तो पी अगर जैसे आप पैसेंजर है, उसका 205 अगर लिखा है, 205 मीन्स सेक्शन विड्थ मीन्स ये सेक्शन विड्थ हो गया, मीन्स चौड़ाई, टायर की चौड़ाई कितनी है। उसके बाद है 75 जो लिखा है सेक्शन, मतलब ये सेक्शन हाइट, मीन्स रिम से लेके लास्ट जो पास पोर्शन होता है उसके बीच की जो हाइट होती है वो सेक्शन हाइट कहते हैं, मीन्स टायर की एक कह सकते हैं मोटाई।
जमीन से और रिम के बीच में जो जहाँ तक टायर होता है उसके बीच में डिस्टेंस होती है उसको सेक्शन हाइट कहते हैं। उसके बाद आर मीन्स है रेडियल टाइप है कि क्रॉस प्लाई है, रेडियल प्लाई है क्रॉस प्लाई है कि बैस्ट प्लाई है, उसमें आर मतलब ये आर है ये रेडियल है कि बैस्ट है कि डायगोनल है। उसके बाद यह लास्ट में 15 है रिम डायमीटर मीन्स जहाँ पे फिट है मीन्स यहाँ पे रिम होगी और यहाँ पे कहीं उसका एक्सल होगा टायर का तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होगी, इसी का डबल हो जाएगा तो डायमीटर हो जाएगा। मीन्स अगर ये टायर है उसके बाद यहाँ पे रिम होगा, यहाँ पे देखिए ये टायर है, ये एक मिनट फिर से ये टायर है उसके बाद यहाँ पे रिम होगा और रिम का कोई डायमीटर होगा ही, जैसे ये है इसका डायमीटर होगा तो ये रिम डायमीटर हो गया, ये रिम डायमीटर होता है 15। ओके धन्यवाद।